एवरीवन, जोया अख्तर की द आर्चीज मूवी रिलीज हो चुकी है एंड सिंस द मूवी इज रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स सो दिस विल बी काउंटेड एज प्लस पॉइंट फॉर द मूवी बिकॉज ट्रेलर देखने के बाद आई डोंट थिंक मच ऑडियंस वुड लाइक टू गो एंड वॉच इट ऑन थिएटर्स. मूवी में और क्या क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये जानने के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आर्चीज एक अमेरिकन सीरीज है जो फर्स्ट टाइम 1941 में रिलीज हुई थी एंड ये इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि बाद में इसके बहुत सारे सीजन्स आए. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ये कॉमिक नहीं पढ़ी है एंड नॉट ओनली मी, मुझे लगता है इंडिया में बहुत सारे लोगों ने ये कॉमिक नहीं पढ़ी है. तो मुझे नहीं पता इस कॉमिक में क्या होता है, बट अगर आप मुझसे मूवी के बारे में पूछोगे तो मुझे मूवी बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं लगी एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को मूवी पसंद आई होगी एंड मुझे ये मूवी इसलिए नहीं पसंद आई बिकॉज जब बात आती है स्टूडेंट्स पर बेस्ड कोई मूवी या कोई सीरीज़ की तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ बिकॉज मैं अपने स्कूल लाइफ में स्कूल एंड कॉलेजेस से रिलेटेड ड्रामास ही देखती थी. इसलिए जब मैंने आर्चीज का ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया था कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी एंड द सेम थिंग हैपेंड. इस मूवी का इंडियन कल्चर से कोई लेना देना तो है नहीं. इट्स नॉट लाइक कि मुझे हॉलीवुड के ड्रामास पसंद नहीं है. इट्स जस्ट दैट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी समथिंग एल्स, क्योंकि जब मैंने नेवर हैव आई एवर देखी थी तो मुझे सीरीज़ अच्छी लगी बिकॉज मुझे पता था दैट मूवी इज़ नॉट बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर. बट द आर्चीज के बारे में मैं क्या ही बोलूँ. एनीवेज, मूवी में 1960s का सीन दिखाया गया है जहाँ पर 17 साल के 7 टीनेजर्स रहते हैं एंड ये लोग रिवरडेल में रहते हैं. मूवी इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पर एक ग्रीन पार्क होता है जिसे हटाकर सुहाना खान के पापा प्लाज़ा बनाना चाहते हैं, बट ये टीनेजर्स ऐसा नहीं चाहते क्योंकि इस पार्क से उनके बहुत सारे चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़े हुए हैं. मतलब स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो आप ट्रेलर देखकर गेस नहीं कर पाओगे. मूवी एक म्यूजिकल ड्रामा है, मतलब कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो हर 10 मिनट में गाना स्टार्ट हो जाता है. इस मूवी से डेब्यू किया है अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा ने, SRK की बेटी सुहाना खान एंड श्रीदेवी की छोटी बेटी दैट इज़ खुशी कपूर ने. आई नो SRK की बेटी होना ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रिविलेज टू यू एंड अ लॉट ऑफ प्रेशर टू. सो सुहाना खान हैज़ प्लेड हर रोल वेल. स्क्रिप्ट एंड एक्टिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया. नाउ कमिंग टू द अदर थिंग्स इन द मूवी. मूवी में 60-70% डायलॉग्स इंग्लिश में है. मूवी के सेट एंड आउटफिट्स पर जोया अख्तर ने बहुत से पैसे खर्च किए हैं एंड ये चीज़ क्लासी लुक देता है मूवी को, बट अगेन नॉट फ्रॉम इंडियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. मूवी देखकर आपको लगेगा कि आप कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो विद इंडियन कैरेक्टर्स. एज यूजुअल बॉलीवुड की मूवी है तो सीखने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें. मूवी को मैं ओवरऑल 2 स्टार्स की रेटिंग दूंगी एंड अगर आप एक म्यूजिकल ड्रामा नहीं देखना चाहते हो तो आप इसका ट्रेलर देख लो, बस मूवी में क्या क्या होता है आपको पता चल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.